हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारी सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है वीडियो का, जो कि हमारी वीडियो चल रही थी प्रोग्रामिंग, स्क्रिप्टिंग एंड मार्कअप लैंग्वेज के डिफरेंस के बीच में। तो हमने फर्स्ट वीडियो में प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग के बीच में डिफरेंस देख लिया था, तो अब हम डिफरेंस देखेंगे मार्कअप और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच में। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है कि ये जो तीनों लैंग्वेजेस होती है ना, ये इकट्ठे ही यूज़ होती है। अगर आपने कोई भी वेबसाइट, कोई भी ऐप, कुछ भी बनाना है और इसमें अगर आपको कोडिंग करनी है, तो हर एक का कहीं ना कहीं तो यूज़ होता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग का अपनी तरफ यूज़ होगा, स्क्रिप्टिंग का अपनी तरफ और मार्कअप का अपनी तरफ, और बाद में आप इन सबको लिंक कर दोगे और आपकी पूरी की पूरी एक वेबसाइट या ऐप एप्लीकेशन जो है वो तैयार हो जाएगी। तो अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ पहले फिर से, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, जो कि आपको कंप्यूटर को बताती है कि अब आपने क्या क्या करना है। आपका कंप्यूटर बेसिकली पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग के ऊपर ही चल रहा है। ठीक है, अब जो भी आपका वर्क चल रहा है कंप्यूटर पे, आपका हर एक चीज़ इंस्ट्रक्शन जो है पहले की पहली दी हुई है कि अगर ये बटन प्रेस होता है तो आपने ऐसा परफॉर्म करना है, और अगर ये चीज़ माउस से क्लिक होता है तो आपने ऐसे परफॉर्म करना है। एवरीथिंग इज़ प्रोग्राम्ड। ठीक है, आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर एक प्रोग्राम्ड है और हर चीज़ उसको पहले ही बताई गई है, इसकी पहले ही कोडिंग की हुई है कि आपने ऐसे ऐसे परफॉर्म करना है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको अगर एग्जांपल दूं कि कोई भी सीडी है, ठीक है, अगर हम सीडी जो है उस पर हम कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, कोई भी सीडी है उस पर अगर हम राइट ऑपरेशन जो है परफॉर्म करते हैं, तो वो पहले ही बताया होता है कि अगर राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो वो इस तरह से होगा, ऐसी इसकी इसको ऐसे ही वर्क करना है। या अगर पेन ड्राइव है उसमें हम कुछ भी पेस्ट करते हैं तो पहले ही बताया होता है। मतलब कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक जरिया है हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने का। आपका जो भी हार्डवेयर है उससे उसका एक जरिया है कि आपको उसके साथ कैसे कम्युनिकेट करना है। तो आपको कम्युनिकेट करने के लिए आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, जो आपका जो जो भी वर्क है उसके रिगार्डिंग कोई भी आप लैंग्वेज जो है यूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ बेसिकली अ मैकेनिज्म टू कम्युनिकेट विद हार्डवेयर, राइट? एक मैकेनिज्म है, एक जरिया है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके भी किसी भी हार्डवेयर डिवाइस से कम्युनिकेट करने का, उससे काम करवाने का, उसको बताने का कि हाँ तूने ऐसे ऐसे काम करना है। सो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो ये आपको कंप्यूटर को इंटरनली बताता है, इंटरनली एक प्रोसेसिंग होती है कि मैंने ऐसे ऐसे काम करना है, इंटरनली सब कुछ चल रहा है। लेकिन जो आपको ऑन स्क्रीन दिख रहा है, जो भी आपके सामने ऑन स्क्रीन आएगा, वो सब कैसे, वो इतना इंटरेक्टिव कैसे होता है? जो जो भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो सब कुछ क्या है? मतलब अगर आप कोई वेबसाइट चला रहे हो, ठीक है, वेबसाइट जो है कैसे वर्क कर रही है वो तो आपको नहीं पता लग रहा है, क्योंकि वो इंटरनली वर्क कर रही है, उसके इंटरनली कोई लैंग्वेजेस यूज़ की गई हैं उसको बनाने के लिए, उसकी जो काम उसके जो काम हो रहा है वो कई तरह से हो रहा है। ठीक है, लेकिन वो जो वेबसाइट आपके सामने दिख रही है, जो आपको अट्रैक्ट कर रही है, वो कैसे इतना अट्रैक्ट कर रही है? तो वो अट्रैक्शन जो है वो इसीलिए होती है क्योंकि उसमें मार्कअप लैंग्वेज यूज़ की होती है। तो बस मार्कअप लैंग्वेज का यहीं पे काम आता है। आपने अंदर तो बता दिया कि ऐसे ऐसे काम चलेगा, ये इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन ऊपर जो है अच्छा भी तो लगना चाहिए ना इंसान को, ताकि तभी वो देखेगा, तभी वो सोचेगा कि हाँ मुझे ये काम करवाना है, मतलब मुझे यही साइट चलानी है। क्योंकि वो ये थोड़ी सोचेगा कि इसके इंटरनली ऐसे ऐसे प्रोसेसिंग है इसलिए मैं चला रहा हूँ, वो कहेगा कि इसका यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा है, सामने से बहुत अच्छा सा लग रहा है, हर चीज़ बहुत ही अच्छी देखने में लग रही है, पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छी तरह से मैनेज है। तो वो जो काम है वो ही मार्कअप लैंग्वेज का काम होता है। और HTML इसका सबसे पॉपुलर बिगेस्ट एग्जांपल है, HTML, जो कि सजाने, जो भी आपने कुछ सजाना है कि अपनी किसी भी वेबसाइट को, किसी भी चीज़ को अगर आपने सजाने वाला काम देना है, तो वो HTML है, मतलब वो मार्कअप लैंग्वेज में आती है। HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो मार्कअप लैंग्वेज इज अ बेसिकली यूज टू कंट्रोल द प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, मतलब बताने के लिए कि यहाँ पे टाइटल होना चाहिए, यहाँ पे सब टाइटल होना चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए, या ये हेडिंग यहाँ पे होनी चाहिए, ये सब जो चीज़ें बतानी है, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करना है, आपकी जो लुक है आपकी वेबसाइट की या किसी भी एप्लीकेशन की जो भी लुक है, उन सबको अगर आपने ऑर्गेनाइज करना है प्रॉपर वे से, तो उसमें मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ होता है। और HTML जो है वो इसीलिए यूज़ होती है। साथ में HTML के आप CSS यूज़ कर सकते हो, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, और XML भी यूज़ होती है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। सो यही डिफरेंस है मार्कअप लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो नोट करिएगा दैट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है, लेकिन सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं कहलाती है। ठीक है,
हर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हो, लेकिन आप सारी की सारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं बोल सकते हो. सो अगर आपको कहीं से इंटरप्रेटर से काम करवाना है तो आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को यूज़ करो. अगर आपने कंपाइलर से काम करवाना है कि आप चाहते हो कि आपकी जो प्रोसेसिंग है बहुत ही फास्ट हो, ठीक है, हर चीज़ जो है पहले ही फटाफट, मतलब एक ही टाइम पे कोड जो है सारा का सारा कंपाइल हो जाए और एरर चेक हो जाए और सब कुछ हो जाए, तो आप कंपाइलर की लैंग्वेज को यूज़ करो. और अगर आपने बाद में उसको सजाना है तो आप ऑब्वियसली बात है मार्कअप तो आपको यूज़ करनी ही पड़ेगी. तो इसमें च्वाइस है, वैसे तो दोनों इकट्ठे भी यूज़ हो जाती हैं, और इसमें ये तो नेसेसरी है क्योंकि सजाने वाला काम तो हमको करना ही करना है, और इसमें आपकी चॉइस है. सो दिस इज़ ऑल फॉर द डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्टिंग, मार्कअप एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. थैंक यू.